हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है वर्क कॉन्ट्रैक्ट। अभी वर्क कॉन्ट्रैक्ट का जो एक्चुअल मीनिंग है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने लिखा है। वर्क कॉन्ट्रैक्ट मीन्स सर्विस कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्विंग सप्लाई ऑफ गुड्स टू एक्जीक्यूट द कॉन्ट्रैक्ट। हेंस वर्क कॉन्ट्रैक्ट्स आर अ मिक्सचर ऑफ सर्विस एंड ट्रांसफर ऑफ गुड्स। एग्जाम्पल ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्ट्स आर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू बिल्डिंग, इरेक्शन इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट्स एंड मशीनरी एंड एक्सेट्रा। सिंपल अगर मीनिंग में समझा जाए तो वर्क कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि आपको किसी चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला है और वो कॉन्ट्रैक्ट कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल आपको कोई इंस्टॉलेशन का कॉन्ट्रैक्ट मिला है और प्लांट एंड मशीनरी, उसके बाद कोई बिल्डिंग बनाना है आपको कोई साइट पे जाके, तो उसको कहा जाता है वर्क कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अभी वर्क कॉन्ट्रैक्ट का कैसा है कि जो भी आप कॉन्ट्रैक्ट लेते हो वो नॉर्मली आपके मूवेबल या तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के हिसाब से वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि हमें एक स्कूल का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, ओके, और वहाँ पे हमको एक रूम बनाना है। ठीक है, वहाँ पे एक रूम बनाना है, तो रूम को बनाने के लिए हमारा पूरा वर्क कॉन्ट्रैक्ट इसके अंदर इन्वॉल्व होगा। उसमें क्या क्या मटेरियल्स लगेंगे, उसके फिनिश गुड्स रॉ मटेरियल्स, उसके बाद तो उसका क्या सेक्शंस होते हैं ITC के, जिसमें आपको वर्क कॉन्ट्रैक्ट का पूरा एक्सप्लेनेशन आपको आज की इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो को स्टार्टिंग टू एंड तक देखें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। टेलीप्राइम से रिलेटेड आपको सारे वीडियोस इसके अंदर मिल जाएंगे और आने वाले सारे वीडियोस मेरे टेलीप्राइम से रिलेटेड होने वाले हैं, तो इस चैनल के नोटिफिकेशंस को ऑन करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, टैली का प्राइम में आपको सॉफ्टवेयर ओपन करके वहाँ पे कंपनी क्रिएट कर लेनी है। ठीक है, तो हम एजुकेशन वर्जन यूज़ कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे कंपनी बना लेते हैं हम। आप कोई भी नाम से कंपनी आपको बनाना है तो आप बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे वर्क कॉन्ट्रैक्ट के नाम से बना लेते हैं। उसके बाद हम सीट लेंगे महाराष्ट्र। GST में आपको यहाँ पे पता ही है कि F1, F3 करने की ज़रूरत ही नहीं है, टेलीप्राइम में ये ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे शो हो जाता है। ठीक है, अभी हम यस करेंगे और यस करने के बाद आपको यहाँ पे क्या डालना है, GST टिन नंबर। ओके, नाउ हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद हम इसको भी एंटर करके हमारी स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लेंगे। नाउ तो अभी यहाँ पे सबसे पहले जो आपको जो क्रिएट करना है, ओके, तो वो आपको यहाँ पे गोडाउन क्रिएट करना है। अब टेलीप्राइम में आपको गोडाउन के लिए एक्टिवेशन करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली क्रिएट में जाके गोडाउन क्रिएट कर सकते हो। तो गोडाउन में जाना है, यहाँ पे पूछेगा दो ऑप्शन, अल्टर एग्जिस्टिंग और क्रिएट न्यू, तो आपको क्रिएट न्यू का इस्तेमाल करना है। क्रिएट न्यू का इस्तेमाल करने के बाद अब आपको वो गोडाउन बनाना है जिसमें आप अपने गुड्स को ट्रांसफ़र करोगे। तो हमें एक स्कूल का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, तो हम यहाँ पे वो स्कूल का नाम लिख देंगे और उसी स्कूल में हमारे रॉ मटेरियल्स को हम ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे मैं एक नाम लिख देता हूँ, किंगस्टन स्कूल। ओके, तो यहाँ पे मैं एक नाम देता हूँ, किंगस्टन स्कूल साइट। तो यहाँ पे मैंने एक नाम दे दिया, आपका जो भी ओरिजिनल रहेगा जब आप वर्क करोगे तो वो नाम आपको दे देना है। उसके बाद यहाँ पे पूछेगा लिस्ट ऑफ गोडाउन में कौन सा सेलेक्ट करना है मुझे, तो यहाँ पे आप इसको अंडर प्राइमरी लेके एक्सेप्ट कर सकते हो। ठीक है, नाउ ये हो गया। अभी इसके बाद नेक्स्ट आपको क्या करना है, कुछ बेसिक्स लेजर्स क्रिएट कर लेने हैं। तो लेजर्स के लिए भी आपको डायरेक्ट क्रिएट में जाना है और क्रिएट में जाने के बाद यहाँ पे लेजर्स में जाना है। सबसे पहला लेजर जो आप लोग बनाओगे जिससे आप वो रॉ मटेरियल्स परचेज करोगे, ठीक है, तो हम यहाँ पे एक बना लेते हैं, कॉन्ट्रैक्टर रॉ मटेरियल्स। ठीक है, तो इस हमको रॉ मटेरियल्स हम इसे खरीद लेंगे, तो इसका अंडर हमको क्या डालना होगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स, खरीद रहे हैं क्रेडिटर्स, बेचेंगे तो डेटर्स। उसके बाद यहाँ पे आपको डालना है उसका GST TIN नंबर, और GST TIN नंबर डालने के बाद आपको इसको कर लेना है एक्सेप्ट। नाउ अभी नेक्स्ट जो लेजर हम लोग बनाएंगे वो बनाएंगे हम लेबर चार्जेस। ठीक है, लेबर चार्जेस का आपको अंडर डालना इनडायरेक्ट एक्सपेंस, आपके लिए ऑफकोर्स खर्चा है, और इसके बाद इसमें जो भी GST के ऑप्शन है वो आपको नॉट एप्लीकेबल करके इसको एक्सेप्ट कर लेना है। नेक्स्ट जो लेजर आपको बनाना है वो परचेज का बनाना है, नॉर्मल अंडर परचेज अकाउंट को भी नॉट एप्लीकेबल रखना है और
इसको भी हम क्या करेंगे, इसको एंटर करेंगे, और एंटर करने के बाद हम इसको यहाँ पे गुड्स लेके एक्सेप्ट कर लेंगे। नेक्स्ट जो लेजर बनाना है आपको बनाना है सेल्स का, आपको जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट मिला है अंडर आप डालेंगे इसको सेल्स अकाउंट, ये सर्विस रहेगा आपका, ओके उसको एक्सेप्ट कर लेना है। अब जिस स्कूल से आपको कॉन्ट्रैक्ट मिला है उसका नाम लिखेंगे हम, किंग्सटन स्कूल, ओके। अब इसको अंडर हम डालेंगे ऑफकोर्स ही बात है सन्ड्री डेटर, जिसको हम कॉन्ट्रैक्ट बना के एंटर करेंगे, और यहाँ पे भी इसका क्या डालेंगे हम जीएसटी टिन नंबर, इसको भी हम एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बनाएंगे हम सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, ऑफ कोर्स ही बात है ड्यूटीज एंड टैक्सेस सेंट्रल टैक्स, उसके बाद यहाँ पे भी इसका स्टेट टैक्स। नेक्स्ट जो लेजर बनाना है वो आपको बनाना है टैक्स ऑन वर्क कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब ये जो लेजर हम बना रहे हैं ये हम क्यों बना रहे हैं मैं आपको आगे जाके एक्सप्लेन करूँगा जब इससे रिलेटेड जब मैं एंट्रीज करूँगा। इसको हम डालेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस, यहाँ पे भी सारी चीज़ को आपको नॉट एप्लीकेबल कर देना है, इस पर कोई चीज़ को आपको एक्टिवेट करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम क्रिएट करेंगे स्टॉक आइटम्स, तो क्रिएट में जाना है स्टॉक आइटम्स में जाना है, सबसे पहले हम यहाँ पे बना लेंगे ब्रिक्स, और इसका यूनिट्स हम बना लेंगे नॉस, यहाँ पे भी ले लेंगे नॉस, सेटल्टर को हम करेंगे येस, ऑन वैल्यू टैक्सेबल, और इसका डालेंगे 5%। अब यहाँ पे अगर आपको बाकी डिटेल्स मेरी तरह नहीं दिख रहा है तो आप कॉन्फ़िगरेशन पर जाके पहला लास्ट ऑप्शन को येस कर दीजिए, तो यहाँ पे आपको ये सब ऑप्शन दिख जाएंगे, ओके उसका भी हम एक्सेप्ट कर लेंगे। नेक्स्ट जो आपको स्टॉक आइटम बनाना है वो आपको बनाना है, अच्छा इसमें जो स्टॉक आइटम बना रहा हूँ मैं ये गाइस, ये रॉ मटेरियल्स है जो हम अभी क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हम बनाएंगे सीमेंट्स, इसका आप एक यूनिट्स क्रिएट कर लीजिए बैग्स करके, ठीक है बैग्स, उसके बाद यहाँ पे भी बैग्स डाल दीजिए और इसको एंटर करके एक्सेप्ट कर लीजिए। सेट अल्टर जी एस टी डिटेल येस, बैग्स 1 2 3 4 5 6 7, ऑन वैल्यू टैक्सेबल, और इसका कितना आ जाएगा 28%, ओके। नेक्स्ट आप बनाएंगे आयरन एंड स्टील, एंटर करेंगे यूनिट्स, अब आयरन एंड स्टील का यूनिट्स क्या रहेगा टन्स में हम बना लेते हैं, ओके तो क्रिएट में जाएंगे टन लेंगे, तो मैं यहाँ पे भी टन सेलेक्ट कर लेता हूँ, ओके सेटल्टर येस, आयरन एंड स्टील, ऑन वैल्यू टैक्सेबल, और इसका हम लोग डाल लेते हैं 18%, ओके इसकी स्पेलिंग गलत हो गई थी सो ठीक कर लेते हैं, इसका एंटर करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट हम बनाएंगे रिवर सैंड, और इसका हम लोग सेम ले लेंगे टन, सेटल टू येस, ऑन वैल्यू टैक्सेबल, और यहाँ पे ले लेंगे हम लोग इसका परसेंटेज 18%, या तो इसको एक काम करते 5% डाल देते चलिए, ठीक है। ये डिफर करता है गाइस, आप करंट जो रेट होगा हो सकता है वो इसका ज़्यादा हो चाहे कम हो जीएसटी का, तो वो जैसा रहेगा आप उस हिसाब से डाल सकते हो, ठीक है। फिलहाल मैंने यहाँ पे 5% डाल दिया है, इसको एंटर करेंगे और एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। नो लास्ट जो हम बनाएंगे वो बनाएंगे वर्क कॉन्ट्रैक्ट किंग्सटन बिल्डिंग, ओके। नेक्स्ट जो हम बनाने वाले क्या बनाने वाले वर्क कॉन्ट्रैक्ट किंगस्टन बिल्डिंग, ओके। अब इसको आपको सेम प्राइमरी लेना है, इसको ले लेना है आपको नॉस, ठीक है, ये आपको जो फाइनल तैयार होगा आपका, ओके जो स्टॉक आइटम आपका फाइनल तैयार होगा एज अ फिनिश गुड्स वो है ये आपका, ओके। उसके बाद यहाँ पे आपको सेटल डर करना है येस, और यहाँ पे वर्क कॉन्ट्रैक्ट ऑन वैल्यू टैक्सेबल, और यहाँ पे लाना है आपको 18%। आपको याद रखना है ये आपका सर्विस है जो आप क्रिएट करके सामने वाली पार्टी को देने वाले हो, ठीक है। तो इसको आपको अंडर सर्विस जानना है, ठीक है। इसमें आगे जाके कुछ चेंजेस करने होंगे हमें, तो वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, फिलहाल हम इसको एंटर करके एक्सेप्ट कर लेते हैं।
इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम रॉ मटेरियल्स को चलिए परचेस कर लेते हैं। तो अकाउंटिंग वाउचर F9 परचेस, अब एक इनवॉइस क्रिएट कर लेते हैं। पार्टी नेम में डालने से पहले यहाँ पे हम डाल लेते हैं रॉ मटेरियल्स, उसके बाद पार्टी नेम में हम लोग क्या लेंगे, कॉन्ट्रैक्टर रॉ मटेरियल जिससे हमको मिल रहा है, यहाँ पे एंटर करके एक्सेप्ट करेंगे परचेस। चलिए अभी से हम क्या क्या खरीदेंगे, सबसे पहले खरीदेंगे ब्रिक्स। इसका लोकेशन हम हमारा खुद का लोकेशन रखेंगे, हम पहले अपने लोकेशन में इसको लेके आएंगे, फिर हमारे लोकेशन से हम क्या करेंगे ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। उसके बाद इसका पूछेगा क्वांटिटी, तो यहाँ पे हम डाल देते हैं 10,000 हमको लगेगा कम से कम, और रेट एक सेट कर लेते हैं 4 रुपीस। नेक्स्ट हम ले लेंगे यहाँ पर रिवर्स एंड, रिवर्स एंड सेम हमारे गोडाउन में पहले लेके आएंगे, उसके बाद यहाँ पे ले लेंगे क्वांटिटी 5 टन, और इसका रेट डाल देंगे 500। नेक्स्ट हम बनाएंगे यहाँ पे आयरन एंड स्टील मेन लोकेशन, क्वांटिटी डाल देते हैं इसका 10, और रेट डाल देंगे हम इसका 650। उसके बाद सेम आ जाएगा सीमेंट्स बैग, उसके बाद यहाँ पे मेन लोकेशन, इसका क्वांटिटी हम लोग डाल लेते हैं 30 और 310। ये आपका फाइनल बिल है जो जो क्रिएट हो चुका है। अब इसमें हम लोग लगाएंगे CGST एंड SGST 2949.50 एंड 2949.50। गाइस ये जो रेट मैंने बताया ये आपको एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू के तरीके से बताया है, इसके जो रेट्स है वो डिफ़र हो सकते हैं, तो आपको जो भी रेट्स जो करंट रेट्स होंगे ब्रिक्स के, रिवर्स एंड सब बाकी रॉ मटेरियल्स के, वही आप रेट यहाँ पे सेट कीजिएगा, ओके। इसको मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ नाउ। अब यहाँ पे मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया, अब ये सारे रॉ मटेरियल्स मेरे गोडाउन में आ चुके हैं, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है गाइस, इस सारे जो रॉ मटेरियल जो मेरे गोडाउन में, अब मुझे मेरे गोडाउन से इसको दूसरे गोडाउन में जहाँ पे मेरा वर्क चलेगा वो स्कूल वाला, ठीक है, वहाँ पे वो ट्रांसफ़र करना है। आपको याद होगा कि मैंने एक स्कूल से रिलेटेड एक गोडाउन बनाया था, करेक्ट। तो वो गोडाउन में मुझे क्या करना है, मुझे इसको ट्रांसफ़र करना है। तो इसको ट्रांसफ़र करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको एक वाउचर क्लास बनाना होगा जिससे आप ये इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हो, ठीक है। तो आपको ये स्टेप्स फॉलो करना है, उसके लिए वाउचर क्लास बनाने के लिए आपको क्रिएट में जाना है। क्रिएट में जाने के बाद वाउचर टाइप्स में आपको यहाँ पे जो नाम है वो लिखना है, आप यहाँ पे जो भी लिखना लिख सकते हैं, जैसे कि ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल्स, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसको डालेंगे स्टॉक जर्नल में, स्टॉक जर्नल में जाने के बाद आपको यहाँ पे लास्ट में आना है, यहाँ पे लिखना नेम ऑफ क्लास में ट्रांसफ़र, एंटर करना है। यहाँ पे पूछेगा यूज क्लास फॉर इंटर गोडाउन ट्रांसफ़र, आपको यहाँ पे इसको करना है, यस। एंटर करके एक्सेप्ट कर लेने के बाद अब आपको वापस अकाउंटिंग वाउचर्स में आना है, आपके वाउचर्स इसमें, और यहाँ पे आपको प्रेस करना है कीबोर्ड से Alt F7। ऑल्ट एफ सेंड प्रेस करने के बाद अब आपको ट्रांसफ़र करने वाले, तो ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल और नीचे ले लोगे आप ट्रांसफ़र, डेस्टिनेशन गोडाउन ऑफकोर्स जहाँ पे आपको आपके ये गुड्स को ट्रांसफ़र करना है, तो वो है हमारा किंगस्टन स्कूल साइट। अब यहाँ पे नेम ऑफ द आइटम पूछेगा, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको लेना है ब्रिक्स। गोडाउन पूछेगा तो आपको सेलेक्ट करना है मेन लोकेशन, और सेम क्वान्टिटी 5000, और यहाँ पर हम डालेंगे 4। हमने 10,000 खरीदा था, तो अब मैं, मेरे को लगता है कि भाई 5,000 के आसपास लगेगा, तो मैं यहाँ पे 5,000 डाल लेता हूँ, और रेट जो था हमारा वही रहेगा। नेक्स्ट रिवर्स एंड सेम हम लेंगे यहाँ पे इसका मेन लोकेशन, और इसके बाद यहाँ पे सेम हम डाल देंगे इसका 5 टन डाल लेते हैं, इतना हमको लगेगा। और फिर आयरन स्टील ले लेते हैं, आयरन स्टील हम डाल देते हैं यहाँ पे भी सेम मेन लोकेशन, और यहाँ पे भी डाल देते 5 टन। उसके बाद हमारा सीमेंट्स सेम मेन लोकेशन, और यहाँ पे हम डाल देते 30, और यहाँ पे आ जाएगा 310। एंटर करना है, और एंटर करने के बाद आपको इसको एक्सेप्ट करना है। सो देखा आपने कितना इजीली हमने हमारे गुड्स को ट्रांसफ़र कर दिया फ्रॉम वन गोडाउन टू अनदर। सुनो गए, अब हमको क्या करना है, अब हमने जो बनाया है उसको अब हमको बिल्डिंग में कन्वर्ट करना है। हमारे सारे चीज़ें प्रिपेयर हो चुके हैं, अब जो फाइनल जो हमको बिल्डिंग जो रूम बनाना है हमको, तो
तो वो हमको कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे जो मैंने अभी जो आपको जो एंट्री अभी बताई, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डिसाइड कर लिया है कि भाई मुझे इतना इतना लगने वाला है एक मेरा जो मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिला उसको बनाने के लिए। तो यही सेम चीज़ सबसे पहले मुझे मेरा जो मैंने एक स्टॉक आइटम बनाया था जिसके अंदर मैंने सर्विस डाला था, आपको याद होगा अच्छे तरीके से, फिनिश तो ये आपका फिनिश प्रोडक्ट है जो तैयार होगा, तो उसमें मुझे ये चीज़ सेट करनी है जहाँ पे वो शो हो कि भाई हाँ एक बिल्डिंग बनाने के लिए मुझे इतना इतना चीज़ ये लगने वाला है, ठीक है। तो वो चीज़ के लिए सबसे पहले आप वो स्टॉक आइटम में आ जाइए, अल्टर में आना है, अल्टर में जाने के बाद स्टॉक आइटम को ओपन करना है, और स्टॉक आइटम को ओपन करने के बाद वर्क कॉन्ट्रैक्ट बिल्डिंग में आना है। अब यहाँ पे आप एक ऑप्शन है F12 प्रेस करना है सबसे पहले, तो आपको यहाँ पे, और F12 प्रेस करने के बाद आपको अगर एक्स्ट्रा ऑप्शन चाहिए तो देखिए आप यहाँ से इसको येस करके और ये ऑप्शन को भी येस कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पे सारे ऑप्शन दिख जाएंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे बिल्स ऑफ मटेरियल से रिलेटेड आपको एक ऑप्शन मिलेगा, वो आप उसको येस कर दीजिए, ठीक है। सेट कॉम्पोनेंट बॉम बिल्स ऑफ मटेरियल, उसको येस करने के बाद यहाँ पे आपको ये जो आपकी स्क्रीन है उसको एक्सेप्ट कर लेना है, ठीक है। नाउ अभी यहाँ पे आपको आ जाएगा अल्टर कंपोनेंट बॉम, इसको आप यस कीजिए, सेम वही नाम लिख दीजिए वर्क कॉन्ट्रैक्ट, एंटर करना है, यूनिट्स ऑफ मैन्युफैक्चर 1 ले लीजिए। अब यहाँ पे देखिए जो जो आपने वहाँ पे लिया था ना सेम वही लेना आपको, ब्रिक्स गोडाउन आपको लेना है आपको किंगस्टन स्कूल साइट, और क्वांटिटी यहाँ पे जो हमने लास्ट टाइम डाला था सेम वही हम डाल देंगे यहाँ पे 5000, और उसके बाद नेक्स्ट हम ले लेंगे रिवर सैंड किंगस्टन स्कूल साइट, क्वांटिटी आपका आ जाएगा यहाँ पे भी सेम जो लास्ट टाइम ने डाला था 5 टन्स। नेक्स्ट आप को लेना है आयरन एंड स्टील किंगस्टन स्कूल साइट, यहाँ पे आपको लेना है सेम 5, और नेक्स्ट आपको लेना है लास्ट में सीमेंट्स बैग्स किंगस्टन स्कूल साइट्स, और यहाँ पे आपको लेना है 30, ओके। इस तरीके से आपको ये क्या कर लेना है, इसको एंटर करके एक्सेप्ट कर लेना है, ओके ओके। नाउ गाइस आपको क्या करना है, आप एक और एक वाउचर क्लास बनाना है, तो वो वाउचर क्लास बनाने के लिए हम क्रिएट में जाएंगे, और जब टाइप्स में जाएंगे और यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे प्रोसेसिंग, जो भी आपको लिखना है यहाँ पे वो नाम लिख सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे लिख देते हैं प्रोसेसिंग जर्नल। अभी ये मैं क्यों कर रहा हूँ गाइस, क्योंकि अभी मुझे क्या करना है, वो जो मैंने आपको कहा था कि अब मुझे कन्वर्ट करना है इनटू बिल्डिंग, तो उसके लिए सबसे पहले अभी मैंने क्या किया, वो बिल्डिंग मतलब एक मेरा जो ऑफिस जो मुझे बनाना है, रूम बनाना है, उसको बनाने के लिए अभी जो लास्ट स्टेप मैंने किया उसमें डिसाइड किया ब्रिक्स कितना लगेगा और आयरन एंड स्टील कितना लगेगा, उसमें मैंने डिसाइड किया, करेक्ट। तो अब उसको फाइनल बिल्डिंग में बनाने के लिए मुझे ये स्टेप फॉलो करना है, जिसमें मैं यहाँ पे प्रोसेसिंग जर्नल लिख के अंदर इसका डालूंगा स्टॉक जर्नल, और लास्ट में एक ऑप्शन मिलेगा आपका यूज़ एज अ मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, इसको आपको यस करना है, ठीक है। सो यस करके आपको इसको एक्सेप्ट कर लेना है। अभी जो मैं करूँगा उससे आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि मैंने ये क्यों किया और क्या किया है। अब वापस से आपको अकाउंटिंग वाउचर में आना है, और यहाँ पे आपको वापस प्रेस करना है ऑल्ट F7। अब यहाँ पे आपको तीनों आ जाएगा, तब आपको ये लेना है प्रोसेसिंग जर्नल, नेम ऑफ द प्रोडक्ट आप क्या तैयार कर रहे हो, वॉर कॉन्ट्रैक्ट किंगस्टन बिल्डिंग। उसके बाद नेम ऑफ द बॉम्ब आपको यहाँ पे अपने आप आ जाएगा वॉर कॉन्ट्रैक्ट, ओके। नाउ उसके बाद यहाँ पे गोडाउन पूछेगा, तो यहाँ पे आपको गोडाउन क्या लेना है, किंगस्टन स्कूल साइट। अब यहाँ पे पूछेगा आपको क्वांटिटी, ओके, तो क्वांटिटी में 1 डालना, और जैसे ही 1 डालेंगे देखिए यहाँ पे ये सारा चीज़ आपको ऑटोमेटिक शो हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इससे पहले जो मैंने स्टेप किया था ना गाइस, जिसमें मैंने बिल्स ऑफ मटेरियल को येस करके ये सब डाला था, अगर आप वो नहीं करोगे ना, तो उससे आपका होगा क्या, आपको यहाँ पे ये सारा चीज़ खुद से हाथ से मैनुअली डालना पड़ेगा। तो बार बार वो मैनुअली डालने से अच्छा आप एक ऑलरेडी एक ही बार बिल्स ऑफ मटेरियल क्रिएट करके रखो और आपका ये हो जाएगा प्रोसेस। तो देखो अब यहाँ पे मेरा ये फाइनल तैयार हो चुका है कि वर्क कॉन्ट्रैक्ट जो किंगस्टन बिल्डिंग का जो मैं बना रहा हूँ रूम, उसके लिए मुझे ये सारा चीज़ इतना सब क्लियर कॉन्सेप्ट है मेरा इतना लगने वाला है, ठीक है। यहाँ पे 35,000 का मेरा कॉस्ट बन रहा है टोटल। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर आप इसमें लेबर चार्जेस ऐड करना चाहते हो, ठीक है, तो आप यहाँ पे लेबर चार्जेस भी ऐड कर सकते हो। कैसे, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है आपका लेबर चार्जेस, एक रफ आइडिया मान के चलते हैं कि लेबर चार्जेस आपका हो रहा है टोटल 25,000, तो आप यहाँ पे मैनुअली हाथ से डाल दो तो आपका यहाँ पे 25,000 आ जाएगा। एंड लास्ट आप यहाँ पे देख सकते हो इफेक्टिव रेट
ऑफ प्राइमरी आइटम आपको शो हो चुका है 60,050 रुपीज़। ठीक है, तो हम इसको एंटर करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा जो मेन स्टेप्स है वो हो चुके हैं क्लियर। अब हम उनको सेल्स का इनवॉइस देंगे, तो इसलिए आपको जाना है अकाउंटिंग वाउचर प्रेस एफिट सेल्स। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन है जिसको आपको यस करना है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कौन सा ऑप्शन है जिसको आपको यस करना है। ठीक है, इसको भी आप यस करके, यहाँ पे अगर आपको सारे ऑप्शन देखने हैं सेल्स के तो आप ये दोनों ऑप्शन को यस कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पे सारा ऑप्शन दिख जाएगा। ठीक है, तो जो ऑप्शन है जो आपको यस करना है वो यहाँ पे राइट हैंड साइड में आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्रोवाइड रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स फॉर स्टॉक आइटम, इसको आपको यस करना है। अच्छा, अब आपको इसको यस क्यों करना है गाइस, देखो जब आपको जो ये जो कॉन्ट्रैक्ट मिला है ना वो टोटल जो इनवॉइस जो आपका जो बजट था वो था 120,000 का विद इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, विद इंक्लूसिव ऑफ टैक्स 120,000 ले लो, 140,000 ले लो, जो भी आपको सेट मतलब जो आपको मिला है, जो भी अमाउंट आपको मिला है कि मतलब सामने वाले बोले कि भाई 140,000 या 150,000 जो भी अमाउंट का उसका बजट है ये, लेकिन ये इंक्लूसिव ऑफ टैक्स है, मतलब इसके अंदर टैक्स ऑलरेडी इन्वॉल्व रहेगा। तो अगर आप ये ऑप्शन को येस नहीं करोगे तो जो भी आपका फाइनल अमाउंट होगा उसके ऊपर टैक्स लग जाएगा, यानी वो फिर गलत हो जाएगा आपका। हमें उसको इंक्लूसिव ऑफ टैक्स करना है, मतलब हमारा फाइनल बिल ही 140,000 का या 120,000 का जो भी आपको क्रिएट करना है वो बनना चाहिए। ठीक है, तो उसी हिसाब से ही हमको ये ऑप्शन को क्या करना पड़ेगा, यस करना पड़ेगा। ओके नाउ, तो अब उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पर हम ले लेंगे किंगस्टन स्कूल, उनसे हमको कॉन्ट्रैक्ट मिला था तो बिल हम उनको ही देंगे, ऑफकोर्स ये बात है। नाउ सेल्स फॉर कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, वर्क कॉन्ट्रैक्ट। फिर यहाँ पे आपको पूछेगा गोडाउन, ऑफ कोर्स ये बात हमको लेना है किंगस्टन स्कूल गोडाउन, वहीं पर हमने इसको रखा है 1। और यहाँ पे हम रेट कितना डालेंगे, 120,000। ठीक है, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे और उसके बाद नीचे डाल के हम CGST and SGST। नाउ यू कैन सी हमारा फाइनल बिल आ चुका है 120,000। इसको एंटर करेंगे और एंटर करके हम इसको क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे है हमारा ये सारा चीज़ हो चुका है। और अब हम क्या करेंगे, एक बार रिपोर्ट चेक कर लेंगे स्टॉक समरी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो फिनिश गुड्स जो था वो आपका यहाँ पे अब शो नहीं हो रहा है। ठीक है, नाउ अब हम एक बार रिपोर्ट चेक कर लेते हैं GST के। GST R1 में आपको यहाँ पे सबसे पहले जो आपने अभी जो सेल किया वो एंट्री आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। ओके, और उसके बाद जो आपने परचेज किया था वो एंट्री भी आपको यहाँ पे देख सकते हैं, आप यहाँ पे शो हो जाएगी। जो 5899 का आपको जो टैक्स बन रहा था वो भी आपको यहाँ पे शो हो गया। GST R3B में भी जब आप जाएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको एलिजिबल ITC 5899 यहाँ पे आपको ये शो हो रहा है। ठीक है, नाउ अभी आपको एक चीज़ का मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा गाइस, कि हमारा जो सेक्शन था एज पर सेक्शन 75C ऑफ द GST Act 2017, इनपुट टैक्स इट इज शैल नॉट बी अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज व्हेन सप्लाइड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। सीधा सीधा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप जो इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर रहे हो, बना रहे हो, उसका कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हो, तो उस पर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। सीधा सीधा ये एक्ट में शो किया हुआ है, आप यहाँ पे इसको रीड भी कर सकते हो। बट हमारा तो इनपुट टैक्स क्रेडिट हमको यहाँ पे दिखा रहा है, कितना दिखा रहा है, एलिजिबल ITC 5899। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको ये यहाँ से हटाना पड़ेगा। ओके, तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, इवन आप यहाँ पे बैलेंस शीट में जब आप जाएंगे, ओके, और यहाँ पे आप F1 दबाएंगे तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि परचेस और सेल्स का दोनों टैक्स का माइनस होके यहाँ पे आपको 12406 शो हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो ITC जो हमको नहीं मिलेगा उसके लिए हम एक वाउचर एंट्री कर लेंगे। जब आप यहाँ पे आप देख सकते हो रिपोर्ट्स में यहाँ पे जो आपको आ रहा है R1 में जो टैक्स का अमाउंट वो हमको यहाँ से रिमूव करना होगा। सॉरी, यहाँ पे GST R3B में ये 5899 ये एलिजिबल ITC हमको रिमूव करना होगा। तो उसको रिमूव करने के लिए हम यहीं पर ही एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे Alt-J GST लेके हम यहाँ पे करेंगे रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। जो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलने वाला है जो लिख के आ रहा है उसको हमको रिवर्स करना है। और रिवर्स करने के बाद हम यहाँ पे फिलहाल ले लेते हैं अदर्स।
सिंपल एंट्री है टैक्स ऑन वर्क कॉन्ट्रैक्ट। अब आपको याद होगा मैंने बोला था कि एक लेजर हम बनाएंगे, मैं आपको आगे जाके बताऊंगा क्यों बना रहे हैं। उसी के मैंने ये लेजर बनाया था क्योंकि मुझे आगे जाके एक एडजस्टमेंट की एंट्री पास करनी थी जिसमें मुझे मेरे जो टैक्स का अमाउंट है उसको रिमूव करना था। CGST SGST हम यहाँ पे अमाउंट ले लेते हैं, जैसे कि मैंने डाला 2949.50 और सेम SGST आ जाएगा 2949.50। ठीक है, इसको हम एंटर करेंगे और एंटर करके हम इसको क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, नाउ अब जब आप अपना रिपोर्ट चेक करेंगे तो यहाँ पे पहले हमको लिख के आ रहा था एलिजिबल ITC, पर अब आपको एलिजिबल ITC लिख के आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। ठीक है, और जब आप Alt F1 प्रेस करेंगे तो वही चीज़ अब आपको यहाँ पे लिख के आ रहा है ITC रिवर्स में। ठीक है, 5899। ओके, अब आप अपना बैलेंस शीट भी चेक कर सकते हैं। आपको यहाँ पे आप सिर्फ वही अमाउंट दिखाई देगा जो सेल्स करते वक्त आपको जो CGST SGST का अमाउंट आया था, सिर्फ वही अमाउंट यहाँ पे दिखाई देगा, 9152.54 कुछ आपका अमाउंट है। आप यहाँ पे एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको शो भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये अमाउंट हमको गवर्नमेंट को पे करना है क्योंकि सेल्स करते वक्त आपका ये टैक्स अमाउंट है जो आपने कलेक्ट किया था, अकाउंटिंग वाउचर और एफ आई पेमेंट के बाद आप यहाँ पे करेंगे कंट्रोल F से ऑटोफिल स्टार्ट पेमेंट GST रेगुलर ले लेते हैं, 1 अप्रैल से 1 मई ले लेते हैं, एग्जांपल के तौर पे मैं एंट्री कर रहा हूँ तो डेट में कुछ भी ले लेता हूँ, कैश ले लेते हैं। CGST 9152.54 एंड SGST 9152.54 एंटर करेंगे और एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब आप अपना बैलेंस शीट चेक कर सकते हैं, यहाँ पर आपको ये नील हो जाएगा। ठीक है, सो होप सो आपको समझ में आ गया होगा गाइस के वर्क कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, इसकी एंट्री क्या होती है, इसके पूरे स्टेप्स क्या होते हैं, इसका पूरा प्रोसेस क्या होता है, ITC में इसका क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर करें, लाइक करना ना भूलें। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसके डाउट आपका क्लियर ज़रूर कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।